सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अविनाश एंड यू वाचिंग योर फेवरेट UV46 राइडर। तो आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छी ड्रैग रेस, जो है दोनों ही एडवेंचर बाइकों के साथ में। एक तरफ है आपकी KTM के ड्यूक 250 एडवेंचर, अगर वहीं दूसरी तरफ देखें तो ये आपकी सुजुकी वी स्ट्रोम SX250। दोनों ही गाड़ियाँ 250 cc के इंजन के साथ आती हैं। दोनों ही का जो भैया ऑफ रोडिंग बहुत ज़बरदस्त है, मतलब इन दोनों के ऑनर से पूछा गया, दोनों ने बहुत पॉजिटिव बातें बताई हैं दोनों गाड़ियों के बारे में। तो इन दोनों का हम एक ऑनरशिप रिव्यू भी करेंगे, वो भी चैनल पे आएगा। तो अभी के लिए तो फिलहाल हम इसको ड्रैग करेंगे इससे, और हो सकेगा अगर पॉसिबल रहा तो इसका हम एडवेंचर टेस्ट भी करेंगे दोनों का। तो अभी आप ड्रैग एंजॉय करो। तो मैं अगर इनके दोनों के पावर फिगर्स की बात करूँ तो ये आपका जो ड्यूक 250 हो आपका 29.65 BHP का पावर जनरेट करती है। वही टॉर्क की बात करें तो 24 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। अब हम आते हैं वहीं आपकी सुजुकी वी स्ट्रोम SS250 पे, तो इसका जो पावर है वो 26.5 BHP का पावर है। अगर हम टॉर्क की बात करें तो 22 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। तो ये दोनों गाड़ियों के पावर फिगर एंड इंजन की बात रही। अगर हम इन दोनों के प्राइस की बात करें तो प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, जैसे कि वो आपकी ड्यूक 250 आ रही है वो आपकी 284,000 के आसपास जा रही है। अगर हम वही बात करें सुजुकी वी स्ट्रोम की, तो ये आपकी बाइक आ रही है 240,000 के आसपास। तो करीब 45,000 का अंतर है। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, ले चलते हैं सीधा आपको बाइक पे एंड दिखाते हैं आपको ड्रैग रेस, इंजॉय करिए। चलिए फिर मिलते हैं सीधा बाइक पे। कह रहे हैं एक चीज़ व्यूअर्स को और बता दो कि आज विंड ब्लास्ट बहुत अपोजिट चल रहा है, और इस पर इसका ड्रॉबैक मिलेगा इस विंड स्क्रीन का। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं रेस को। रेडी? ओ भाई, अभी तो वी स्ट्रोम निकल चुकी है एंड यहाँ पे ये चीज़ फंस रही होगी। ओ हो 144, देखते हैं ड्यूक 250 बीट कर पाती है कि नहीं कर पाती। ओ भाई बगल में आ गए। और भाई यार 20 Strom आगे निकल गई, ये नहीं सोचा था मैंने नहीं सोचा था कि 20 Strom जो है वो बीट कर सकती है इसको। बट भाई देखो, हो सकता है थोड़ा लॉन्च में दिक्कत आई हो मेरे साथ, क्योंकि यार एडवेंचर चलाने की उतनी आदत है नहीं। ड्यूक 250 विंड बहुत अपोजिट चल रहा है, इसमें विंड स्क्रीन भी सामने लगी है, तो इसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक आपको मिलेगा थोड़ा सा। और ये 6th gear मैंने डाल दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे विंड का खेल है पूरा। यहाँ पे ड्यूक 250 को मैं पीछे कर रही है गाड़ी, पूरा विंड का खेल है यार, मैं देख सकता हूँ। और इसमें आपको सामने विंड स्क्रीन लगी है, तो इसका मतलब ड्रॉबैक तो मिल रहा है, क्योंकि विंड बहुत तेज हवा चल रही है सामने से। अब वो आपकी SX यार ज़्यादा एरोडायनेमिक्स है, उसका जो शेप है एरोडायनेमिक का वो ज़्यादा बेटर है मुझे लगता है थोड़ा। अब वो आगे जा भी रही है, बट अभी जो गाड़ी की पोटेंशियल निकल के आ रही, पावर निकल के एकदम एग्जैक्ट पावर है, विंड उंड सब कुछ लेके। V-Strom, बाकी यार सेटिंग पोस्चर एंड चीज़ें अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। सुजुकी ने काफ़ी अच्छा काम किया इस गाड़ी पे। जो अभी टॉप स्पीड निकल के आ रही है, कहने जो टॉप स्पीड, हाँ मैंने नहीं सोचा था कि यार ये बीट कर देगा। और जो टॉप स्पीड निकल कर रहे जेन्युइन टॉप स्पीड, क्योंकि देख लो, देख सकते हो आप हवा एकदम अपोजिट चल रही है हम लोग के। अभी राइडर स्विच, अब मैं आ गया हूँ ड्यूक 250 पे। और ओ वैसे ADV चलाने का एक अलग ही फील होता है अपना, हाँ जी करें ADV चलाने का एक अलग ही फील होता है। उसमें थोड़ा देखिएगा कैमरे में ये फंस सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये तिब्बतियन फ्लैग। चलो रेडी?
रेडी ओहो भाई साहब क्या भगी है, क्या भगी है गाड़ी, वाइब्रेशन तो बहुत है पैरों में, थोड़ा सा गियर भाई पर बहुत वाइब्रेशन आ रहा है पैरों में इसके, तो फुट पैक से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे पैरों में कोई कुछ भी लगा रहा है। ओ ओ हो आए साहब आहा, देखिए अब जैसे राइडर का वेट थोड़ा कम हुआ, एडी भी निकल गई आगे और मैं भी स्टॉर्म से पीछा कर रहा हूँ, फिफ्थ गियर मैंने लगा दिया, अब देखते हैं पिछली बार वाला कमाल ये दिखा पाती है कि नहीं दिखा पाती है। यार मीटर में तो ये ऑलरेडी उसको बीट कर चुकी है, आपका जो स्ट्रॉम है उसका मीटर जो है इसमें एरर है। अच्छा खास फिफ्थ गियर में 129 एंड सिक्स गियर मैंने डाल दिया भाई। देखो गाड़ी अपने फुल आरपीएम पे नहीं जा रही क्योंकि यार विंड तो सामने चल ही रही होगी और साथ ही साथ क्या ही बोले यार, क्या ही बोले, यार ये गाड़ी मतलब क्या निकल के रेस आ रही है, वो देखो स्ट्रोक निकल के बगल से। हाँ डिस्टेंस कम हो रहा है, थोड़ी देर अगर ये रेस और चली, थोड़ी देर अगर ये रेस और चली तो ये आगे निकल जाएगी, ये निकली आगे, ये निकली स्ट्रॉम आगे भाई साहब, ओहो ये निकली स्ट्रॉम आगे, जबकि उसमें विंडस्क्रीन इसकी विंडस्क्रीन से ज़्यादा बड़ी है तो उसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक ज़्यादा मिल रहा है। उसका बहुत स्मूथ इंजन था, अब आपने उसका दोनों गाड़ियां चलाई हैं, कंक्लूजन आप बताइए कि इंजन ये मतलब एडवेंचर 250 से काफी ज्यादा स्मूथ, काफी नहीं बहुत स्मूथ है। इसमें तो ऐसा लग रहा था पैरों पे इतनी वाइब्रेशन थी, इतनी वाइब्रेशन थी कैसा लग रहा पैरों में कोई गुदगुदा आ रहा है अंदर से। हाँ बहुत स्मूथ इंजन है और आपने एक चीज ये भी देखी होगी कि टॉप स्पीड में भाई वो अगर मतलब 135-136 इस सिचुएशन में जा रही है ये गाड़ी, मतलब 131 से फिर बैक मार रही है धीरे धीरे। मैं ये सोच रहा हूँ ना भाई इसका इंजन भी बड़ा है। हाँ मतलब सॉरी इंजन तो सेम है, पावर ज्यादा जनरेट कर रहा है, टॉर्क भी ज्यादा जनरेट, हाँ फिर भी हार गया, हार गया। तो ये थी आपकी ड्रैग रेस, तो ये थी आप लोग की ड्रैग रेस। आई होप सो वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। यार किस बात की देर है, बाकी इंस्टाग्राम का आईडी भी आ रही है, आप जाके वहाँ फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड सेफ राइड हार्ड।